तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम एक 1212 ट्रांसफार्मर को रिपेयर करने वाले हैं। मैं जो इस वीडियो में आपको मेथड बताने वाला हूँ, इस मेथड का यूज करके आप किसी भी ट्रांसफार्मर रिपेयर कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो फ्रेंड्स चलिए जान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर को कैसे रिपेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है 1212-3 एम्पियर का एक ट्रांसफार्मर। इसका जो प्राइमरी कॉइल है ये बिल्कुल ठीक ठाक है, इसका जो सेकेंडरी कॉइल है ये खराब हो चुका है, यहाँ से कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। तो फ्रेंड्स इस ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कॉइल हम रिपेयर करने वाले हैं। और फ्रेंड्स इस वीडियो में जो मेथड आपको बताने वाला हूँ, इस मेथड का यूज करके आप किसी भी ट्रांसफार्मर रिपेयर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हमें एक मल्टीमीटर लेना पड़ेगा और इसे कंटिन्यूटी मोड पर सेट कर देंगे, मतलब कि यहाँ पर हमें बाजार मोड पर सेट करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो मल्टीमीटर पर रीडिंग शो हो रहा है, यानी हमारा जो ट्रांसफार्मर है इसका प्राइमरी ऑयल बिल्कुल ठीक ठाक है। और फ्रेंड्स आप जो ये ट्रांसफार्मर का तीन वायर देख रहे हो ये सेकेंडरी वायर है, यहाँ से आउटपुट निकलता है। फ्रेंड्स आप मल्टीमीटर पर देख सकते हो कुछ भी रीडिंग शो नहीं हो रहा है, मतलब कि ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वायर पूरी तरह से खराब हो चुका है। फ्रेंड्स पहले इसे ओपन करते हैं। और फ्रेंड्स इसका जो ये सारे मेटल है ये बहुत ही ध्यान रखकर खोलना पड़ेगा, क्योंकि बाद में इसे फिट करना है। कॉइल को चेक करके देखते हैं आखिर इस कॉइल में हुआ क्या है। पहले तो इस स्टेप को उतार लेते हैं और यहाँ पर जॉइन में देखते हैं क्या हुआ है। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पर तो वायर बिल्कुल भी नहीं जला है, और यहाँ पर हम मल्टीमीटर से दोबारा से चेक करके देखते हैं किस कंडीशन पे पड़ा हुआ है। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये कॉइल पूरी तरह से ठीक दिखा रहा है, मतलब कि ये जो ऑयर है ये थोड़ा थोड़ा करके जल गया है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ज्यादातर तो ऐसा ही होता है, थोड़ा सा ऑयर जलने से यहाँ पर लाइन नहीं आता है। यहाँ पर जो आप तीन ऑयर देख रहे हो थोड़ा थोड़ा करके जल गया है, इसीलिए काम नहीं कर रहा है। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके काट देते हैं और यहाँ पर ऑयर जोड़ देते हैं, फिर इसे फिट करते हैं और देखते हैं क्या ये वर्क करता है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स आप प्लीज वीडियो और बने रहना। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पर तीनों वायर जोड़ दिया, अब ये जो पट्टी है यहाँ पर इसके ऊपर चिपका देते हैं। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये पूरी तरह से हम फिट कर दिया है और ये सारे पत्ती यहाँ पर लगा देते हैं। पत्ती लेंगे और इस तरह से ऐसे घुसा देंगे, और सेम और एक पत्ती लेंगे इस तरह से ऐसे घुसा देंगे। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पर हम भरना कंप्लीट कर दिया, और ये जो आप छोटा छोटा गैप देख रहे हो और ये जो छोटा छोटा पत्ती देख रहे हो यहाँ पर ये सारे गैप इस पत्ती से भर देंगे। और फ्रेंड्स ये जो ट्रांसफार्मर है ये पूरी तरह से फिक्स कर दिया, आखिर क्या ये ट्रांसफार्मर चलाने से शॉर्ट मारेगा ये फिर नहीं। पहले तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर सेट कर देंगे, उसके बाद मल्टीमीटर का एक स्ट्रिप वायर पर लगा देंगे और एक स्ट्रिप ट्रांसफार्मर का बॉडी पर लगा देंगे। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ भी रीडिंग शो नहीं हो रहा है, तो ये ट्रांसफार्मर पूरी तरह से सेफ है, और अब हम सेफली इस ट्रांसफार्मर से किसी भी काम कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अब हम इस ट्रांसफार्मर को डायरेक्ट एसी पर लगा देते हैं, और ट्रांसफार्मर का जो वायर है वो मैं स्पार्क करके आपको दिखा रहा हूँ। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पर स्पार्क हो रहा है, मतलब कि ये ट्रांसफार्मर पूरी तरह से ठीक हो चुका है। फ्रेंड्स आप देख चुके हो कितना आसानी से हम ट्रांसफार्मर को रिपेयर कर दिया। अगर आपका ट्रांसफार्मर का कॉइल जल जाता है तो आपको सिर्फ ट्रांसफार्मर का जो कॉइल है उसे चेंज करना है, और ट्रांसफार्मर वाइंडिंग करने के समय आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। जितना भी आप टर्न खोलोगे उतना ही टर्न आपको देना पड़ेगा, तभी ट्रांसफार्मर सही से वर्क करेगा। फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फ्रेंड्स मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।